कनिष्क विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति लंबोदर वक्रतुंड आदि कई नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं, उतनी ही विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी है। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी ही गुप्त व रोचक बातें बता रहे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियां जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदि सभी गण केवल महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वो जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 121 दुर्वा से श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था। इसी व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री गणेश पुत्र के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनि देव सिर नीचे किए खड़े थे। माता पार्वती द्वारा पूछने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, किंतु जब माता पार्वती के कहने पर शनि देव ने बालक को देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्प भद्रा नदी के तट पर हाथनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सिर काट कर ले आए। उस गज बालक का सिर श्री हरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रख कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब ये देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फल स्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना घटित हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा के तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश भी तप कर रहे थे। श्री गणेश को देख तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, किंतु श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को दो दो विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का तथा अपनी पूजा में वर्जित होने का श्राप दे दिया। शिव महापुराण के अनुसार गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि से हुआ है। श्री गणेश के दो पुत्र भी हैं,
इनके नाम क्षेत्र तथा लाभ है। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचा तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वो फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया है, ये बात तो सभी जानते हैं, किंतु महाभारत लिखने से पूर्व उन्होंने महर्षि वेद व्यास के सामने एक शर्त रखी थी। इसके विषय में कम ही लोग जानते हैं। वो शर्त इस प्रकार थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेद व्यास से कहा था कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने शर्त मान ली और श्री गणेश से कहा कि मैं जो भी बोलूं आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेद व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते कि उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता। इस बीच महर्षि वेद व्यास अन्य काम कर लेते। गणेश पुराण के अनुसार छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं, मगन, नगन, भगन, यगन, जगन, रगन, सगन और तगन। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। अक्षरों को गण भी कहा जाता है। इनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसीलिए वे विद्या बुद्धि के दाता भी कहे गए हैं। इस प्रकार श्री गणेश के विषय में कुछ रोचक बातें हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति म।